करती हूँ मॉर्निंग से और कैल्शियम भी इंक्लूड है अभी जो है मैं उसको वही दे रही तो बस ये गुड्डा पी रहा है दरअसल हुआ ये कि मैंने फोन उठाया ब्लॉगिंग के लिए तो मुझे रिमाइंडर दिख गया क्योंकि मैं रिमाइंडर भर के रखती हूँ इसलिए कि मुझे याद रहे कि हर आठवें दिन जो है वो मुझे गुड्डा को आ, ये सैशे देना है अच्छा जी तो अभी मैं बना रही हूँ आलू मेथी और मटर की सब्जी सूखी वाली क्योंकि बस मुझे ये बनाना है और खाना खाना है और उसके बाद मुझे डे टू डे लाइफ के जो काम है वो जल्दी से निपटाना है क्योंकि शाम में जो है वो मम्मी पापा आने वाले हैं यानी कि मेरे सास ससुर आने वाले और मम्मी तो काफी टाइम बाद आएंगी तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है उनसे बात करने का तो जल्दी से काम करके फ्री हो जाऊंगी तो मैं उनके पास बैठ कर बात कर पाऊंगी क्योंकि वो सिर्फ एक रात के लिए आ रहे हैं नेक्स्ट डे उनको एक वेडिंग में भी जाना है और उनको उनके डॉक्टर को भी दिखाना है तो फिर वो चले जाएंगे तो इसलिए बस अभी मैं खा रही हूँ खाना थोड़ी सी कमर सीधी करने के बाद मैं करूंगी मेरे घर के डेली ये काम अच्छा जी शाम हो चुकी है और आ चुके हैं मम्मी पापा और मैंने उनके लिए बनाया है बैंगन का भरता क्योंकि मम्मी को वो काफी पसंद है और आलू मटर की सालन वाली सब्जी दरअसल हुआ ये कि मैंने पापा से पूछा कि पापा आप है ना चिकन खाएंगे कि मटन खाएंगे क्या बनाना है दोनों में से तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं बनाना है सादा सिंपल सा खाना बना लो दरअसल वो गोश्त के इतने शौकीन नहीं है मम्मी भी नहीं है पापा भी नहीं है बस सादी सिंपल सी उनको दाल दे दी जाए सब्जी दे दी जाए तो उसमें वो बड़े खुश होते हैं तो अभी मैंने बैंगन का भरता बनाया क्योंकि मम्मी को काफी पसंद है तो बड़ा वो है ना फूड इंजॉय करके खा रहे थे और हुआ ये कि उन्होंने ना बिल्कुल धीरे से बोला कि है ना सब्जी बड़ी अच्छी बनी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको रिकॉर्ड करके जो है ना आपको सुनाना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं तो मैंने पापा से बोला कि पापा आप थोड़ा सा ना न्यूज सुन रहे थे वो कि पापा न्यूज थोड़ा सा बन करके आप बताइए ना कि कैसा बना तो अब आप भी सुनिए कि उन्होंने मुझे कैसा रिव्यू दिया बहुत 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 बढ़िया 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 ये मेरे मेरे पापा खाना अच्छा बना मतलब ससुर साहब और उन्होंने इतनी खुशी से बोला तो हम सबको हंसी आ गई जिनदी पीछे से हंस रहे थे और बाकी खाना बहुत लाजवाब बना था भले वो गोश्त ना भी खाए लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वो बनाऊं जो वो खाना पसंद करते और उस तरीके से बनाऊं जैसा उनको खाना पसंद है कि वो कम मिर्च का खाते तो बस मैंने यही करा और उनको खाना बहुत अच्छा लगा तो पूरा दिन इसी तरीके से गुजर गया बड़ी रौनक बनी रही घर में तो ये मेरा आज का व्लॉग था बाकी और कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई आपके लिए तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा है तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज